ఈ ప్రాంగణంలోకి విచ్చేశారు. नमस्कार. जनमानस के सपनों को सच का प्रकाश देने वाले, हिंदुस्तान को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध, राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन से हम सब गौरवान्वित हैं. भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आंध्र प्रदेश के लोगों को 10,700 करोड़ से अधिक की 7 बुनियादी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण कर देश के नाम समर्पित करने के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का आभार व्यक्त करते हुए हार्दिक स्वागत करते हैं. मंच पर आसीन गणमान्य अतिथिगण, श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी, आंध्र प्रदेश के माननीय राज्यपाल, श्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी, आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय केंद्रीय मंत्री रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी भारत सरकार का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, एवं विशाखापट्टनम के इस गौरवशाली शहर में उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और अतिथिगण का हर्षित भाव से हार्दिक स्वागत है. आजादी के इस अमृतकाल में भारत देश एक ऐसी स्वर्णिम गाथा लिख रहा है जो विकसित भारत के स्वप्न को साकार करेगी, और देश में तेजी से आगे बढ़ रहे शहरों में विशाखापट्टनम यानी सिटी ऑफ डेस्टिनी का नाम भी शामिल है. माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आस को आधार और उम्मीद को साकार करने का जो कार्यक्रम पिछले 8 वर्षों से चल रहा है, आज का यह समारोह उसी प्रगति की ओर एक और पहल है. आज के इस भव्य समारोह में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में उनकी गरिमामय उपस्थिति में कई वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद विशाखापट्टनम के वासियों का सपना साकार होने जा रहा है, और आज का दिन विशाखापट्टनम की विकास की यात्रा में एक बहुत ही अहम दिन है, और विशाखापट्टनम के इतिहास में यह स्वर्णिम दिन स्मरणीय हमेशा रहेगा. और यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का क्षण है जब हम सब इस विकास के साक्षी बने हैं. प्रगति के इस नए आरंभ के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. इस प्रतिम अवसर पर आभार स्वरूप विशाखापट्टनम के वासियों की ओर से निवेदन है आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी से कि वे स्मृति चिन्ह एवं शॉल भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का औपचारिक रूप से स्वागत और सम्मान करें. एक बार जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में. माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है एक स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और सम्मान करें. हार्दिक धन्यवाद. माननीय प्रधानमंत्री जी तथा गणमान्य अतिथिगण का स्वागत और आज के इस भव्य समारोह की महत्ता पर प्रकाश डालने के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय केंद्रीय मंत्री रेलवे संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी भारत सरकार को.